सुल्तानपुर में रविवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस टीम ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से पुलिस को नारकोटिक्स के सामान मिले हैं। सूचना मिलते ही एसपी सुमेन वर्मा भी मौके पर पहुंचे। मीडिया को जानकारी देते हुए एसपी सुमेन वर्मा ने बताया कि मोतीगरपुर थाना क्षेत्र में रात के समय पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने दो बदमाशों को पकड़ा। इनके पास से पुलिस टीम को नारकोटिक्स के सामान मिले। पूछताछ करने पर बदमाशों ने पुलिस को बताया कि हम और माल भी छुपाए हुए हैं। पुलिस इनके साथ गई, लेकिन जहां बरामदगी करने की बात कही गई वहां पर इन लोगों ने असलाह छुपा कर रखा हुआ था। बदमाशों ने पुलिस के ऊपर प्राणघात हमला किया। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई जिसमें दोनों इंजर्ड हो गए। एसपी ने बताया कि बदमाशों की पहचान रमन सिंह और राहुल थूरिया के रूप में हुई है। इन पर दर्जनों मुकदमे हैं। रमन सिंह साल 2018 में शहर के अवंतिका रेस्टोरेंट के मालिक पर हमले में नामजद हुआ था। राहुल थूरिया पर हत्या लूट एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज है। एसपी ने बताया कि राहुल थूरिया रीशु सिंह गैंग का एक्टिव मेंबर है। रमन भी रीशु के साथ कई अपराधों में सम्मिलित रहा है। आज थाना मोतीगरपुर में दियारा में जब पुलिस चेकिंग हो रही थी तब दो अपराधी रमन सिंह और राहुल थूरिया पकड़े गए जिनसे नारकोटिक्स का सामान बरामद हुआ। बाकी पूछताछ करने पर इन दोनों ने बताया और भी नारकोटिक्स छुपाए हुए हैं, हम बरामद करवा के देंगे। इसी पे पुलिस उनके साथ गई, लेकिन जहां पर बरामद करने की बात की गई वहां पे ये लोग अपने असली छुपाए रखे थे। पुलिस के अरेस्टिंग से बचने के लिए पुलिस के ऊपर प्राणघाती हमला किए अपने छुपाए हुए असलों से। पुलिस सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई जिसमें ये दोनों लोग इंजर्ड हो गए। इसमें कहना है कि रमन सिंह और राहुल थूरिया इन पे ऊपर दर्जनों भर मुकदमे हैं। रमन सिंह जो अवंतिका स्वीट हाउस में गोलीकांड हुआ था 2018 में उसका अपराधी है। इसी के साथ साथ राहुल थूरिया इसके ऊपर हत्या लूट गैंगस्टर ऐसे एनडीपीएस ऐसे बहुत सारे मुकदमे हैं। उसके साथ साथ जो राहुल थूरिया है वो रीशु सिंह उर्फ दिव्यांग सिंह के नाम पे जो गैंग पंजीकृत है उस गैंग का एक्टिव मेंबर है। रीशु सिंह भी बांछी चल रहा है और रमन सिंह भी रीशु सिंह के साथ कई अपराधों में संलिप्त रहा है। धन्यवाद। सुल्तानपुर से 944 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें Now 44 न्यूज चैनल।